अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर पीसफुल एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो है सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है, ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों का, गांव देहाती इलाकों का, देसी इलाकों का। जो सुबह सुबह की मॉर्निंग होती है उसका जो मज़ा है वो बिल्कुल शहर की मॉर्निंग से मुख्तलिफ है। और मौसम जो है आज बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। आप देख सकते हैं कि जो है आज बादल वग़ैरह जो है वो काफ़ी सारे हैं, तो मौसम भी सुबह सुबह जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुनकी है, ठंड है। शॉल टकरी है मेरी है, तो मैंने शॉल भी जो है फ़िलहाल उतार दिए। मैंने कहा कि ये सर्दियाँ फिर जो है नहीं मिलनी, तो ये बड़ा प्यारा प्यारा मीठा मीठा मौसम है। तो सुबह सुबह की जो यहाँ की जो ग्रीनरी है उसको देखने का ही एक अलहदा मज़ा है। जो ग्रीनरी है यहाँ पर और पीछे लैंडस्केप काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ हैं। आप लोगों ने वीडियो में थोड़ा बहुत देखा होगा, अभी इंशाल्लाह आज का जो दिन है हमारा वो हम आपको अपना गांव जो है वो प्रॉपर विज़िट करवाएंगे, इंशाल्लाह दिखाएंगे कि गांव का लैंडस्केप कैसा है। और जो हमारा इसके अलावा जो आसपास का इलाका है वहाँ पर जो है उसके गांव के बिल्कुल साथ जो है दरियाए सिंध बह रहा है, तो दरियाए सिंध की जो है वहाँ पर जो व्यू है दरिया का और वो वहाँ पर जो गांव का बाज़ार है उसका व्यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना गांव है, हिस्टोरिकल है, इसकी जो गांव की हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको जो है बताएंगे और आप लोगों को पूरा गांव भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। और एक और चीज़, मैच जो है नीचे शुरू हो चुका है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नमाज के बाद मैच था, तो वो मैच जो है नीचे भी हो रहा है। तो मैच, क्योंकि हमने कल सारा दिन मैच वगैरह देखे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखाया है, तो इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि कुछ एक दो मैचेस थोड़े बहुत आपको दिखा देंगे, लेकिन ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको अपना जो है गांव वगैरह विज़िट करवाएं इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके सीधा चलते हैं गांव। अच्छा जी, ये वो जो बिल्डिंग है जहाँ हम रुके हैं, ये उसके बाहर के मनाजिर हैं। गाड़ियाँ वगैरह आप देख सकते हैं सारी पार्किंग में लगी हैं। गाँव का व्यू देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना जो है हसीन है, कितना यहाँ पे पीसफुल माहौल है। ये जो है मदरसे की जो बैक साइड है, ये उसका व्यू है टॉप से ऊपर। सुबह का नाश्ता है जी, उसमें चने पराठा ऑमलेट है, सेवइयां, शहद, डबल रोटी जैम, चाय। मैं अच्छा छो रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं जी गांव की तरफ। अब बकर कहाँ गया? ये मतलब कि ये जब अंदर घुसेंगे फिर लगाएंगे। अच्छा,
अच्छा जी, ये गांव का बोर्ड है मुखट शरीफ लेफ्ट साइड पे। मुड़ेंगे उसकी भी बना लो, उधर आगे भी आएगा नक्का चौक। निक्का जिया चौक नक्के शक्के यहाँ पे ठीक करा रहे सारे। अच्छा भाई, ये जो रोड सीधा जा रहा था, ये जा रहा था रावलपिंडी। पिंडी पिंडी जा रहे आगे जंड। हाँ, और पिंडी पता जंड पिंडी बहुत नजदीक है जंड। बाइक पे तो समझ ले कि डेढ़ घंटा का बाइक पे। हाँ, बाइक पे डेढ़ दो घंटा लगता है बाइक पे जंड से आगे। फिर पिंडी भटिया है नहीं, पिंडी है पता जंग। हाँ, फतेह जंग पिंडी, और यहाँ से वो भी गांव के जो रास्ते का, गांव का जो रास्ता है ये टोटल पहाड़ जो है ना, पहाड़ पे बना हुआ है। और रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा जो है, ये सारा सिंगल रोड है और थोड़ा सा डेंजरस भी है। गाड़ियाँ आगे से स्पीड में आ रही होती हैं, तो यहाँ पर जो है ड्राइव जो है वो काफ़ी एहतियात से करनी होती है। और ये सारा रास्ता जो है पहाड़ पर मुश्तमिल है, काफ़ी ज़्यादा मोड़ है, खतरनाक मोड़ भी है। और उतराइयाँ भी हैं और चढ़ाइयाँ भी हैं, या मोड़ देख ही रहे हैं कैसे कैसे मोड़ है। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा असल में मौसम बाहर का है, बहुत प्यारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। जाए जय गांव आ गया हमारा। ये यूनियन काउंसिल नंबर 7 नंबर 70 मुखड़, ये गवर्नमेंट रूरल डिस्पेंसरी मुखड़ है। इसके साथ ये यहाँ का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल और भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग आए हुए हैं। गाड़ी उन्होंने यहाँ पार्किंग लगाई हुई है। असल में यहाँ गाड़ी खड़ने जो है ना खड़ी करने की वजह ये कि आगे जो है वो गांव के अंदर जो है, आपको बताया कि ये पहाड़ पे बना हुआ है, तो आगे जो है ना हाइट काफ़ी ज़्यादा है कई जगह। ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मुखड़। गाड़ी कर दी है पार्क हमने। ये जो आप घर देख रहे हैं वाला, ये वो जो नदीम भाई हमारे साथ हैं, ये उनका आबाई घर है फैमिली का। ये आप देख सकते हैं ये घर है पुराना, लकड़ी के दरवाजे हैं, पुराने ज़माने के घर बने हैं। ये गलियाँ ये यहाँ की जो है घरों की जो बैठक हुआ करती थी उसका दरवाज़ा है। अच्छा जी, अभी हम यहाँ से जो है गाड़ी हमने जो है पार्क कर दी, अब हम आगे जा रहे हैं। ये नदीम भाई लोगों का जो घर है वो यहाँ से लेके ये जहाँ तक ये आखिरी खिड़की आप देख सकते हैं, ये घर है मिट्टी के कुम्हार, मिट्टी के जग की चीज़ें। आप देख सकते हैं ये लोहार है।
अच्छा अच्छा ये कीमत सलाम वालेकुम जी, क्या जनाब ठीक ठाक हैं? खरीद हैं ये जी मुखड़ का फेमस खोया जी, खोया या बर्फी? खोया खोया खोया। ये क्या रेट है सर? ये 150 रुपए पाव है। 150 रुपए पाव? अच्छा ये एक पाव देना मुझे भी, इसको ज़रा ट्राई करें। छोटा सा बाज़ार है, ये वाली बिच वाली है, ये वाली है, ये बढ़िया होती हैं। ये मुखट की जो है सौगात है समझ लें, यहीं पे यहीं से मिलती हैं। इसका बड़ा बेहतरीन सालन बनता है, सालन में जो है इस्तेमाल होती हैं। नदीम भाई ये जो बढ़िया हैं ये किसी से बनती हैं? किस चीज़ की? ऐसा दाल, मूंग की, मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल। अच्छा अच्छा, और इसमें मसाले होते हैं, बनाने का तरीका होता। अच्छा ये मसाले, ये सिर्फ यही मुखड़ की फेमस है और यहीं से मिलती है। घर में बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये मुखड़ी हलवा है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, लजीज होता है, ये फेमस है। सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है वाला? देखिए दर्जी की दुकान, टेलर। ये बिस्कुट है मुखड़ी, ये चीज है, वो बाटा पड़ा है। ये बाटा है मुखड़ी, ये मुखड़ी बिस्कुट है, बाटा 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 बाटा, ये बाटा। इस तरह पंजाब में साग और पालक मशहूर है, ये हमारे गांव का एक है, इसे कहते हैं बाटा। ये बिल्कुल साग और पालक की तरह ही पकता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत चेंज होता है और बहुत ज़्यादा मज़े का ये पकता है। ये तो बढ़िया मुखड़ की, और ये देख सकते हैं ये मुखड़ी बिस्किट है, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। ये भी लेंगे इंशाल्लाह, टेस्ट करेंगे हम। अच्छा नदीम भाई, ये जो रास्ता जा रहा है ये कहाँ को जा रहा है? दरिया को। अच्छा ये दरिया को जा रहा है, सलाम वालेकुम। यहाँ पे मशहूर पुराने ये बिस्किट वो है मुखड़ी जो मशहूर है, बारह इस टाइप के होते हैं, वो इस टाइप के। अच्छा सीधा दरिया पे और आगे जाके वीडियो बनकर औरत आ रही है। ये आप देख सकते हैं गांव की तंग तंग गलियां। देखा तो नदीम कितने यहाँ पे तल्लुक है। नदीम बहुत फेमस आदमी है। आप देख सकते हैं कि जो है ना बहुत बेहतरीन जो है तंग तंग गलियां, जो हमारे पुराने दादा अब्दुल का घर है, ये अकरम प्राचा, अकरम बख्श परवरदिगार, मेरे मामू का घर तो फैल मामू, वो नहीं है उमर, उसके अब्बू का घर है ये, उमर के। कौन से उमर? उमर नहीं वाला, तुमको जो शुगर आ रहा था। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, अब्बू का घर है ये। अच्छा यहाँ मुखड़ में मेरे भी जो दादा शेर फैसला, लकड़ी नहीं है तो पूरा लकड़ी का शेर था पूरा ये। अच्छा ये हटा दिए, खत्म हो गया वक्त के साथ, तो खत्म हो गया ना, सब पुराने जैसे बने हुए थे सब खत्म हो जा रहे हैं। इतना असर रात की बात है, अभी नहीं बात तो नहीं है, बहुत पुराना है, देख रहे इस आप, जगह। हाँ, ये आप देख सकते हैं इस तरह की पूरा शेड वाली गली थी बंद, ये देखिए ना पुराने घर टूटे हुए। अच्छा ये गांव की ठंडी गली है, ये ठंडी गली थी सारी तोड़ है अंदर, ये वाकई जी ठंडी गली है, इसमें जो है गली के अंदर जो ठंडक ऐसी चल, ठंडक महसूस हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गली का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कैसा है, कि यहाँ ये नीचे की तरफ जा रही है और साथ साथ जो है यहाँ पर इसके हाँ, सब ढलान है, ये सब ढलान है, और ये हम जा रहे हैं दरिया की तरफ। सामने आप देख सकते हैं गली के अंदर जो ये हुआ है, कवर किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। गर्मी हो ना, यकीन करें जैसे हम गली के अंदर दाखिल होते हैं ऐसे लगता है जैसे
السلام علیکم جی، کیسے ایسے ہی جائے؟ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو دوست ندیم ہے یہ بھائی چپ نہیں کرتے کسی صورت، تو اس لیے ان کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ندیم بھائی خود دریا کا راستہ جائے وہ بھول گئے، دیکھ سکتے ہیں جو پرانے گھر ہیں مطلب بہت زیادہ خستہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو چاہے توڑ دیا گیا ہے، شاید نیا بنانا چاہ رہے ہیں، گر گئے برسوں کی وجہ سے۔ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے، یہ بھی جو پرانے گھروں کی چھتیں ہیں، سیڑھیاں اوپر کو جا رہی ہیں، دیکھ سکتے ہیں یہ سیڑھیاں کسی گھر کی، جو گھر کی دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا بسیدہ گھر ہے جو ٹوٹ چکا ہے۔ یہ لکڑی کا دروازہ ہے جی، اس کا میری اپنی نانی ماں مکھڑ پیدا ہوئی، مکھڑ رہی، پھر اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، جی جی جی، نہیں جی، لیکن ہم دریا پہ تقریباً آ گئے، بھائی منع کر رہے ہیں کہ دریا پہ نہانا نہیں، ہم جب سب دیکھنے جا رہے ہیں نہانا نہانا تو ہم میں سے کسی نے نہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو سوئمنگ نہیں آتی، خطرناک ہے۔ لیں جی ہم باہر آ گئے ہیں نیچے کی جانے، تھوڑا سا جی ہو گیا غلط، ہم یہاں سے غلط آ گئے، کیونکہ جس طرح سے ہم آئے یہاں پر پانی جو ہے تھوڑا ہے، جو اصل اسپاٹ ہے وہ آ گیا ہے پانی کا نا، ابھی ہم یہاں سے آئے تھے تھوڑا سا ہم غلط ہو گئے، واپسی اوپر کی جانب جا رہے ہیں، کیونکہ جس اسپاٹ پہ ہم پہنچے ہیں دریا کے، یہاں پر پانی جو ہے یہ اصل اسپاٹ نہیں ہے دریا وغیرہ کا۔ ٹاپ پہ جا رہے ہیں، ٹاپ پہ ندیم بھی آپ کی تو جوتیاں بہت مہنگی ہیں، ان کا کیا ہوگا یار، تو کلارکس کی جوتی ہیں تو خراب ہو جائیں گی یار، اچھا یہاں سے ہم نیچے سے آئے جی، یہ وہ ہے مکھڑ خان اور مکھڑ کا گھر ہے، یہ مشہور، اچھا یہ مکھڑ کے خان تھے، خان آف مکھڑ، یہ ان کا گھر ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت سا گھر بنایا ہے وائٹ کلر کا، بہت پیارا۔ یہ سارا انہیں کا گھر ہے، خان آف مکھڑ، بہت بیوٹیفل، بہت خوبصورت، یہ خان آف مکھڑ کا گھر ہے، یہ آپ ان کا گراج دیکھ سکتے ہیں، پیچھے لان ہے، نیچے سے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں دریا سندھ بہہ رہا ہے، بہت پیسفل جگہ ہے، بہت پرسکون جگہ ہے، مینٹلی ریلیکس کرنے کی جگہ ہے، گاؤں کی زندگی بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے، پیسفل ہوتی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، یہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت صاف ہوتی ہے، بہت صاف ہوتی ہے بہ نسبت شہر کی آب و ہوا سے، کوئی آلودگی نہیں، گاؤں میں بجلی کے کھمبے، بجلی جو ہے یہاں پر موجود ہے، ادھر گاؤں میں ایک جو ہے دربار کافی فیمس ہے مکھڑ شریف کا، اسی لیے اس گاؤں کا نام مکھڑ کے ساتھ شریف لگا، یہاں پہ کوئی دربار ہے، وہ دربار بھی آپ کو دکھائیں گے، وہ پوائنٹ نہیں مل رہا جہاں سب بیٹھتے ہیں، پوائنٹ تو نہیں مل رہا، پتھر دیکھ رہے ہیں، پہاڑی پتھر لگے ہیں گھروں کی دیواروں پہ لوگوں نے، آ گئے
ले जी, हम पहुंच गए पहाड़ पर। जो गांव बने होते हैं उनका एक अलग ही व्यू होता है। आप मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद है सामने। ले जी, हम पहुंच गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कश्ती वश्ती खड़ी है, बोटिंग होती, बहुत ज़्यादा बेहतरीन जगह है। ये मस्जिद है, ये नीचे जाने की जगह है। आप दरिया का व्यू यहाँ से देख सकते हैं। वाकई ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ने बहाया, ये बनाया पहाड़ों को इस तरह बनाया, फिर दरियाओं को अल्लाह पाक ने बनाया। एक तरफ पहाड़। अब मज़े की बात ये कि दरिया क्रॉस करके उस तरफ जाएं तो वो इलाका जो है वो पंजाब नहीं है, वो केपी की है। यहाँ से जो है ये इलाका पंजाब शुरू होता है। ये मस्जिद है, ये रास्ता है जहाँ से ऊपर से हम आ रहे हैं और नीचे हम दरिया की तरफ जा रहे हैं। ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं नीचे उतरने के लिए। ये मस्जिद का गेट आप देख सकते हैं। ले जी, और दोस्त यार भी देखें सामने पहुंचे हुए, वो भी कोई पिक्चर्स बना रहे हैं। मज़े की बात एक यहाँ पर गार भी बनी हुई है, केव। ये देखिए जी, दरवाज़ा भी पहले ज़मानों में भी होगा, लेकिन ये गार है। अतलंग ले जी, एक और गार भी। क्या बात है, बहुत सुकून जगह है। दरख्त घने दरख्त है। नीचे बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी जलसे में आए हैं शरीक होने के लिए। दो तीन साल पहले बाकी साथी खेल रहे हैं हमारे उधर क्रिकेट, वो खेलते रहे, हम यहाँ कर रहे हैं एंजॉय। चल, हम यहाँ कर रहे हैं एंजॉय। असल में आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है, ये खोया है हम घर का, ये खोया है, ये हमने खुद खोया है। एक प्योर खोया बहुत आ। दरिया के उस तरफ जो है ऊंट है, ऊंट। ये ना जी, कश्ती पे लोग सैर कर रहे हैं, हमारे दोस्त हैं वो अभी तक आए नहीं, मैच खेल रहे हैं। वो आएंगे तो फिर हमने भी उस तरफ जाएंगे, दरिया के उस तरफ वहाँ बैठेंगे आधा घंटा। इधर दरख्त की छाँव में बैठना और दरिया के नज़ारे करना, और साथ ही जो परिंदे हैं इनकी आवाज़ को सुनना आंखें बंद करके सुकून से, बहुत बहुत नेचुरल इंसान फील करता है। नेचुरल साउंड है ये रिलैक्स करता है माइंड को। दरिया से वापसी की तरफ जा रहे हैं, आएंगे थोड़ी देर बाद। ये बच्चों की खबर है, ये बच्चों की खबर है, ये देखोगे आपको वाक्य सुनना। ये वाक्य सीरियस में
तब तो मजा चलेगा इसको। अंदर जो है कोई छोटे दो बच्चों की खबर है, बच्चे बाहर निकलते हैं आते यहाँ से भाई रोज। अच्छा सुना यार, कोई कहा क्या है? अच्छा जी बताओ बताओ यार बात। बिलाल डूबे थे ना बच्चे दोनों। अच्छा नहीं क्या क्या मतलब कैसे? बच्चे तो यहाँ खेल रहे थे बैठ के। अच्छा ऊपर वहाँ का घर था उनका, पानी का भाव आया, पानी का भाव आया रात और रात बच्चों को लेके भाग गया। अच्छा खेलते खेलते पानी यहाँ तक आता होता गर्मी में, यहाँ तक इतना घर टूटते ही है वो क्या समझ रहे गर्मियों में पानी तो आज से गर्मी में निशान लगा गया घर का। अभी जुलाई में यहाँ जुलाई नगर में आगे तो इतना देखने मिलेंगे। अच्छा फिर हुआ क्या जी? बिल्कुल रास्ते का नहीं लाशिंग यहाँ से नज़दीक थी पानी सारा पानी है ना जगह सारा। अच्छा जैसी वो बहा बच्ची वहाँ पर आवाज़ दी, आवाज़ दी आई उनकी उधर गए तो मरे पड़े थे। तो फिर ये रात का क्या किस्सा बता रहे हो? रात का रात के टाइम हुआ था ना, उन्होंने यहाँ पे आके उधर बच्चे यहीं पे खेलते थे, बच्चों को यहीं पे दफना दो इस जगह पे। अच्छा नहीं तो रात को आप कह रहे हो निकलते हैं बच्चे बाहर डेली निकलते हैं अभी इन दिनों में बिला नागा। अच्छा यहाँ निकल को बस खेलना शौक था ना उनका अभी ये नहीं रात के निकल के खेलते हैं यहाँ पे खेलते कुछ नहीं करते खेल के फिर चले जाते हैं अंदर। रात को देखा है किसी ने? लोगों ने देखना बताया ना लोगों ने। अच्छा ये किस्सा इसका सारा चलो किस्सा कितना सच्चा कितना झूठ ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन भाई ने किस्सा सुना दिया। हाइट जा काफ़ी ज़्यादा है ऊपर, हम यहाँ असल में चूंकि आदि नहीं है इसलिए हमें अदीम भाई बार बार अपने गियर जो है वो बदल रहे हैं, कभी D3 लगा रहे हैं, कभी D4 लगा रहे हैं, कभी D1 लगा रहे हैं। नदीम भाई अभी कौन सा गियर चल रहा है आपका? अच्छा D1 लगाओ फिर ऊपर जाओगे सुकून से, ध्यान करना स्लिप ना हो जाए बस। अच्छा मजे कर रही है बकरी जनाब से, सुकून से बैठे कोने पे। ऐसे ना हो कहीं मेरे मोबाइल ने दोस्त है हम मुखड़ सैर करने आए हुए आपके करने आए यहाँ पे। मैं साथ बैठा हूँ तो बकरी उड़ गई है, उसने कहा कि भाई मैंने इस बंदे के साथ तस्वीर नहीं बनवानी। ना 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 तस्वीर नहीं बनवानी नदीम भाई के साथ, उसने बनवाई है तस्वीर। जब मेरी बारी बैठने आई तो बकरी ने कहा चलो शाबाश दौड़ो, बगैर पैसों की तस्वीर नहीं बनती। मुखड़ की बकरियां भी जनाब कैंट हैं। अच्छा जी अभी मुखड़ से वापसी हम जा रहे हैं इंजरा, और वो रास्ते में स्टेशन है इंजरा का, वहाँ पर जो है वो भी एक बड़ा मज़े का पिकनिक पॉइंट है, वो देखेंगे और वापसी जाएंगे। लाहौर का मैच है, कल का जो फंक्शन है वो इधर ही है मुखड़ में, सुबह का नाश्ता वगैरह और जो इजलास है वो इधर ही होगा मुखड़ गांव में। तो इंशाल्लाह फिर उस कल जब आएंगे तो कल ही जो है वो हम सैर करेंगे कश्ती की, हो सकता है आज शाम को ही आ जाएं। तो अभी फ़िलहाल आरती वापस जा रहे हैं क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया, खाना खाना है दोपहर का और नमाज का वक्त भी है। तो इंशाल्लाह कल आपको जो है वो कश्ती की शहर हो सकता है आज ही हो जाए या कल इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी अभी हम जो है ये इंजरा बाज़ार वो देखने जा रहे हैं, ये इंजरा बाज़ार है, ये सवेरा टी है जिसने स्पॉन्सर किया हमारी लाहौर की टीम को। ये इंजरा का बाज़ार है, पीछे काफ़ी बड़ा बाज़ार था, पीछे अड्डा भी था जहाँ पर प्राचा मदरसा है, प्राचा राम का। ये इंजरा का छोटा सा स्टेशन है, आई थिंक जो ट्रेन पेशावर से कराची चलती है वो यहाँ से गुजर के जाती है इंजरा स्टेशन। छोटा सा स्टेशन है, अस्सलाम वालेकुम जी। पार्सल घर
दफ्तर स्टेशन मास्टर। ये इंजरा आराम का है, पराचा आराम का। जो बुज़ुर्ग आते हैं वो मदरसे में नहीं रुकते, ठहरते, तो वो इधर जो है इंजरा आराम गाह में रुकते हैं। देखिए पराचा आराम गाह। खाया खाया कनूला करेंगे। ये पराचा जामिया इस्लामिया का बोर्ड है। ये जो रोड है ये मदरसे की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद खड़ा है। ये कराची का मैच हो रहा है, पिंडी का। ये अपने बछिंदों का मैच खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया होगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हो गया हूँ रेडी। मैच जो है सुना है लाहौर बहुत ज़्यादा जो है ना लगा रहा है मार दूसरी टीम की, तो जाके देखते हैं। काशी भाई, लाहौर ने 94 का टारगेट दिया है अटक की टीम को। दोबारा मैच है जी अटक के साथ। आज कल भी हुआ था, कल भी लाहौर जीत गया था, आज का पता कोई नहीं। जी मुबारक हो, लाहौर जो है सेमी फाइनल क्वालिफाई कर चुका है, लाहौर कलंदर। तो अभी मैच ख़त्म हुआ है और जो है लाहौर ने 93 स्कोर किया है, छः ओवर्स के मैच है ना, ये छः ओवर्स के मैच है, क्योंकि असल में मैं खेल नहीं रहा या मुझे खिलाया नहीं तो इसलिए मुझे इतना ख़ास नहीं पता। अभी जो है वो अभी लाहौर की टीम खाना खाने गई है, देखते हैं आज फाइनल हो पाता है नहीं हो पाता, लेट्स सी। लाहौर का मैच है लाहौर वर्सेस रावलपिंडी सेमीफाइनल। सब लोग जो हैं वो नमाज असर से फारिग हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है लाहौर और रावलपिंडी का जो मैच है वो आज सेमीफाइनल होगा अभी। तो आज फिर जो है मैच डे बनता ही जा रहा है, क्योंकि मैच सीरीज़ हो रही है, क्या करें। तो चलें देखते हैं क्या होता है। पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का लाहौर और रावलपिंडी का सेमीफाइनल। पहली बॉल अगर कर ली ना, Thank you.
अच्छा जी, मैच के साथ साथ अभी शाम की जो है यहाँ पर चाय है। मैं कल उसकी जो है वो नहीं दे सका था क्योंकि हम भी कहीं बिजी थे। कल भी इन्होंने शाम की चाय दी, आज भी चाय, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना। चाय में समोसे हैं जी, रायता सलाद है, जलेबियाँ हैं, चना चाट है। बार बार बोल रहे हैं। लाहौर को जो है 93-94 का चेजिंग जो है वो टारगेट मिला है। लो जी, छक्का पड़ गए। ओए हौला, बेहतरीन जी बेहतरीन। आकिब कितना स्कोर हो गया लाहौर का? ये पूछे ना, ये जो कॉपी लेके बैठा हुआ है इसे पूछते। ओए जबरदस्त। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जो है वो सेमीफाइनल में हार चुका है और रावलपिंडी जो है जीत के फाइनल में जा चुका है। इंदिरा स्टेशन पर ट्रेन। दोस्त यार जो है स्टेशन के बाहर होटल पे गपशप लग रही है और यहाँ पर जो है लड़के खेल रहे, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रात के खाने से फारिग हो गए और अभी जो है हम जा रहे हैं इंदिरा स्टेशन। वहाँ पर जो है उसका इंतजाम किया गया चाय का, क्या है जी, चाय और हलवा साथ, हलवा जो फेमस डिश है अपनी मुखड़ की। और मज़े की बात ये कि आज का जो खाना था वो बहुत ज़्यादा जो है मज़े का था। उसमें जी क्या क्या था नज़ीम बताएं? उसमें चिकन बिरयानी थी, उसमें और फ्राइड चिकन, चिकन बिरयानी की जैसे आ गई, क्या चीज़ थी, चिकन पुलाव था, साथ जो है फ्राइड चिकन था जी, फ्राइड चिकन था, मटन कौरमा था, कुन्ना था, जो भी था मटन कौरमा था और मीठे में ट्राइफल था, ट्राइफल था मीठे में। अच्छा जी, और बस फिलहाल यही था खाना शाना खा लिया हमने। देखिए जा रहे हैं स्टेशन, जा रहे हैं इंदिरा स्टेशन, सब जो है वहीं पे जमा हो रहे हैं, तो अब देखते हैं वहाँ क्या शुगर लगता है। सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इंदिरा बढ़वाने पर फेर का। देखिए जी ये स्टेशन है, स्टेशन इंदिरा स्टेशन, देख सकते हैं। ये आपको लग रहा हो जैसे किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं पर ये ट्रेन का इंतजार नहीं हो रहा। यहाँ जो है फुल फ्लेज जो है मस्ती चल रही है, फुल फ्लेज मस्ती, हंसी मजाक, चाय, कावे, गपशप, बूढ़े नौजवान बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए चाय के स्टॉल लगे हैं, लेकिन कवा शब हमने भी ले लिया। मंजर देखें आप स्टेशन का, ये इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल की पिकनिक जो यहाँ पर मनाई जा रही है स्टेशन पर। आज के दिन का जो व्लॉग है वो यहाँ पर जो है एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए जो है जगहों के साथ इंशाल्लाह। अभी जो है यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि हम इंदिरा स्टेशन पे हैं। यहाँ पर जो है एक, मैं आपको पहले बताया कि नेक्स्ट लेवल की जो है पिकनिक जो है वो एंजॉय की जा रही है। साथ जो है खाना खा के फारिग हुए सारे, तो सारे यहाँ आ गए, बड़े बूढ़े छोटे नौजवान सब, तो स्टेशन पे ऐसे बैठे हैं जैसे ट्रेन का इंतज़ार किया जाता है। को बाहर का मतलब देखिएगा तो समझेगा बाकी कुछ ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ सवारियाँ जो है वो बैठी हैं स्टेशन पे, लेकिन ये पिकनिक मनाई जा रही है। कभी आपने ऐसी पिकनिक नहीं देखी होगी, अगर किसी ने देखी है तो मुझे ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल।
अपना और अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, नमाज की भरपूर पाबंदी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और गुजारिश, इस वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा हमारी मेहनत होती है, तो हमारी वीडियोस को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।